भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर इकाई के तत्वावधान में गुरुवार को बजट पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बुधवार गोष्ठी का आयोजन पंचायत भवन मुरादाबाद में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि अमृत काल में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया यह बजट आजादी से लेकर अब तक का सबसे स्वर्णिम बजट है। यह बजट गांव, गरीब, किसान से लेकर मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी है। आदिवासी, दलित, ओबीसी सभी वर्गों के लिए इसमें व्यवस्था है। सोमेंद्र तोमर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह बजट भारत के विकास को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। बजट में जरूरतमंदों को मिलने वाले मुफ्त खाद्यान्न को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। ये गरीबों, किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, पिछड़ों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की संयोजिका कल्पना रितेश गुप्ता, भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश रस्तोगी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान आदि भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम सबके प्रिय माननीय नगर विधायक युवा दुर्गन माननीय सोमेंद्र जी को अशोक के सबसे पहले सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध लोग, मैं नगर के यशस्वी विधायक, मेरे बड़े भाई आदरणीय रितेश गुप्ता जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी, जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजपाल सिंह चौहान जी, इस जिले की प्रथम नागरिक